इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि ये क्या है, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है, और ये तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन डील करने के लिए आपके पास क्या तरीका होता था, आप हमेशा लॉग लेते हो, तो ये तो अलग सेपरेट डील करोगे, ये भी आप सेपरेट डील कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू ये हो गया है ना, y इसे एज्यूम कर लेते हैं, और फिर कर लेते हैं लेट y जो u, ये पहला वाला u हो गया आपका, u इक्वल्स टू x की पावर x cos x, और v क्या हो गया आपका, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर माइनस वन, ये दो एज्यूम कर लिया, तो y आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा u प्लस v, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy by dx दैट इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ u प्लस dv by dx हो गया, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर से ये वन है आपका, और ये आपका टू हो गया। अब du by dx आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा, और dv by dx सेपरेटली निकाल के आप ऐड कर दोगे दोनों रिजल्ट, ठीक है। एक तरह से दो सेपरेट क्वेश्चंस हो गए, एक बड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, या बड़े से क्वेश्चन का क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि u आपका हो गया u इक्वल्स टू x की पावर x cos x, तो टेकिंग बोथ साइड log, तो log ऑफ u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x की पावर x इंटू cos x, ये आपका पावर की प्रॉपर्टी, लॉग की पावर की प्रॉपर्टी से पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल्स टू x cos ऑफ x हो जाएगा, ठीक। तो ये फाइनल आपका हो गया, ये नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, d by dx ऑफ log ऑफ u इक्वल्स टू d by dx ऑफ x cos x और log ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए, ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, क्योंकि u का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, d by du log u, क्योंकि अब ये u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो फिर du by dx हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन दो फंक्शन नहीं है, यहाँ पे तीन फंक्शन है, और तीन फंक्शंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें देख लीजिएगा कि हम एट ए टाइम एक फंक्शन को डील करते हैं, या एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी दो कांस्टेंट रहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज फर्स्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बाकी दो को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो कॉस एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किया है ना, और बाकी कांस्टेंट रहे, प्लस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, प्लस क्या होगा आप सेकेंड स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी दो कांस्टेंट रखेंगे, तो x log ऑफ x d by dx ऑफ क्या हो गया आपका, d by dx ऑफ cos x, और नेक्स्ट प्लस थर्ड को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और बाकी दो को कांस्टेंट रखेंगे, तो x cos x कांस्टेंट हो गया, और d by dx क्या हो गया आपका, log ऑफ x हो गया। तो ये प्रोडक्ट रूल हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आप भी डायरेक्ट, चार होते तो वैसा ही करते, सबकी बारी आती है एक एक बार डिफ्रेंशिएट होने की। खैर, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स आ गया, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 1, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक, प्लस एक्स कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, हम इसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, आपके पास सुविधा है नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, और बस। अच्छा, ये यू भी इधर आ जाएगा, तो थोड़ा सा और हम इसे ब्रैकेट में रख के थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू इधर आ गया, ठीक, यू था क्या, u आपका x की पावर x cos x था, तो वो भी रख देते हैं यहाँ पे, आप तीन स्टेप में सारे काम करोगे, ठीक है, x cos x, आगे आप तीन स्टेप काम करोगे, हमने मिटा मिटा कर दिया, तो आपके पास तो वीडियो आराम से देख के कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ रिमूव करते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखे, है ना, तो दैट इज योर
du by dx. ठीक से that is equation number 3 but result number 1. पहला result आया है. इसी तरह से अब v को differentiate कर लेते हैं. अब since v equals to क्या है आपके पास x square plus 1 upon x square minus 1 है. ठीक है, तो differentiating with respect to x, तो dv by dx क्या हो जाएगा, d by dx of x square plus 1 upon x square minus 1. ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली काम कर लेते हैं. अगर ऊपर क्या कर ले हम x square, ठीक है, d by dx अभी नहीं करते हैं. देखिए हम क्या करना चाहते हैं, यहां कर लेते हैं हम x square minus 1 और plus 2, तो बात बराबर है. ठीक है, वो x square plus 1 ही है, लेकिन यहां पे हम इसके नीचे ऐसे लिख देंगे x square minus 1. अब इतने के नीचे अलग x square minus 1 कर दें और इसके नीचे अलग कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका, इसके नीचे अलग x square minus 1 हो जाएगा. अच्छा, ये जरूरी नहीं है, आप डिवीजन रूल लगा के भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम स्मार्टली करना चाहते हैं इसको. यहां पे कट के क्या आ गया, 1 आ गया, तो फाइनली आपके पास ये 1 प्लस कितना हो गया, 2 बाई x स्क्वायर माइनस 1 हो गया. अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज dv बाय dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 2 बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन. तो d by dx ऑफ 2 बाहर कर लेते हैं, 1 by x square minus 1 का डिफरेंशिएशन. इसका मतलब क्या हुआ, x square minus 1 की पावर minus 1. फिर यहां चेन रूल लग जाएगा, पहले ये पावर डिफरेंशिएट होगी. ठीक है, तो पावर डिफरेंशिएट जब होगी तो क्या आएगा आपका, nx n minus 1, मतलब x square minus 1 की पावर माइनस 1 पहले से था, एंड अगला माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, फिर अंदर वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा. तो फाइनली क्या आ गया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 2 है, तो नीचे करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये दैट कम्स आउट टू 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस है, तो फाइनली आपका आ गया माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, यो db बाई dx. अब कुछ नहीं करना है, तो रिजल्ट 3 और 4 को दोनों को ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में ले, या दोनों को ऐड करके आंसर एक्सप्रेस कर दीजिए, दैट इज योर आंसर.